हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्टी बॉय क्लासेस। आज हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने भारतीय एक्सा कंपनी में। तो आज डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमृतसर, वहाँ पे ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए जा रहे हैं। मैंने कल वीडियो भी बनाई थी, तो चलते हैं अपने इंटरव्यू देने के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो अमृतसर के ऑफिस में। देखिए, ये है आपको लोकेशन, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, ये हमारा कचहरी चौक आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर हमें जाना है। अब ये कुछ अंदर का व्यू है, यहाँ से ही रास्ता है, इधर से आप जा सकते हैं। ये शॉर्टकट है एक हिसाब से। और क्या व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं, इतना मस्त ये बना रखा है। इसकी बिल्डिंग वगैरह अंदर से इंटीरियर बहुत ही बढ़िया है। तो आइए चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेस के अंदर। वहाँ फॉर्म भरे जा रहे, देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे आ रखे हैं इंटरव्यू देने। ये सब अपना फॉर्म भर रहे हैं, अभी फॉर्म एक मिलता है, फिल करना पड़ता है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਰ ਬਿਊਰੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, कैसा मुझे लगा। भारतीय एक्सा कंपनी वाले जो आए थे वहाँ पे, एचआर वगैरह, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किए, क्या पूछा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो जनरली उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे कि आप मतलब इंश्योरेंस से क्या समझते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे। यहाँ पर अभी उन्होंने सिलेक्शन नहीं की, बस एक हमें एक हिसाब से उन्होंने जज कर रहे थे कि ये बच्चे मीन्स आप काम भी कर सकते हैं या नहीं। अब उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया ट्यूसडे को, तो हमें वहीं पे वो बताएंगे कैसे क्या काम चलता है। पर मैंने उनसे पूछा था सैलरी वगैरह एक्सपेक्टेड क्या मिलती है, तो वो कह रहे थे 3 लाख पर एनम सीटीसी रहता है, मीन्स 25,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है, जो कि एक अच्छी सैलरी है अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हो तो। और ग्रोथ रेट वगैरह बढ़िया रहते हैं, तो आप वैसे चेक कर सकते हैं अगर आपको सही लगता हो ऐसे इंश्योरेंस वगैरह के काम में। बट अभी तो देखो क्या बनता है, मैं वैसे ट्यूसडे को जाऊंगा तो उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा बाकी का। और वहाँ पे दो कंपनियाँ और आई थी, एक तो स्टोर का था कोई रेस्टोरेंट का, और एक डिलीवरी बॉय का। तो उसका मैंने इंटरव्यू दिया नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। तो यही था आज का जो इंटरव्यू का सेशन था। अब ट्यूसडे को मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।